जय माता दीदी। जय माता दी, जय माता दी। 5 मिनट इंतजार कर लेते हैं, सभी को जुड़ जाने देते हैं। जी चेंज कर लो ना। मैंने किया थी, स्टार्ट किया मैंने। कोशिश करेंगे फॉलो करने, जल्दी उठ के पूजा करने के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक भूखे रहना नहीं चाहिए। सुबह देते हैं 5 बजे। आप सभी को नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं जो ऐसे हैं जो लगातार मेरे साथ 2 बार से, 3 बार से या 4 बार से नवरात्रि के उपवास कर रहे हैं साथ में, और साक्षी रहे हैं कि किस तरह नवरात्रि के 9 दिन के बाद हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अभी तो 1-2 दिन में ऐसा लगेगा कि थोड़ा अजीब है, या वैसे ही क्या बुरा था, या हम जैसा वैसा खा रहे थे तो क्या बुरा था। लेकिन जब आप इसका पूरे 9 दिन के बाद प्रभाव देखोगे तो आप देखोगे कि वो 6 महीने तक आपके पास कम से कम रहा। तो सिर्फ वजन कम करने के लिए नहीं है, वजन तो अपने आप ही कम होगा अगर आप सही पदचिन्हों पे चलेंगे। उपवास अपने आप में आपकी नई जठरग्नि को जागृत करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है और मन को शांत करता है, जिससे इसको धर्म के से जोड़ा गया और एक अच्छे प्रभाव लाने के लिए 2 ऋतुओं के बीच में जोड़ा गया। तो जिस समय पर वायरल अटैक सबसे ज्यादा होते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, उस समय हम उपवास के द्वारा अपनी प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करते हैं। तो बहुत सारे लोग अगर इस कंफ्यूजन में है कि मैं बहुत दुबली पतली हूं तो मैं क्यों करूं, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। अगर शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी है, अतिरिक्त वजन है, तभी कम होगा। अतिरिक्त वजन नहीं है तो नहीं कम होगा, या 1 किलो ही कम होगा, 1.5 किलो कम होगा, और वो जैसे ही आप उपवास खत्म करेंगे और अच्छी डाइट पे जाएंगे वो वापस आ जाएगा और शरीर को बेहतर प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी। दूसरा प्रश्न था लोगों का कि जो लोग बीमार हैं, थोड़े से बीमार मतलब हल्का फीवरिश लग रहा है उनको, मैं चाहूंगी कि वो जरूर से उपवास करें। वो जरूर से उपवास करें, वो अद्भुत तरीके से देखेंगे कि कैसे उनका बुखार 2 दिन में छूमंतर हो गया। हाँ, उनके लिए थोड़ी ये टिप है कि वो अगर मेरा जो काढ़ा, मैंने जो हर्बल चाय बताई है, वो 2 बार कर लेंगे, उसमें लेमन ग्रास डाल सकते हैं जो इन्फेक्शन को कम करता है, और ये जो ड्राई फ्रूट्स की स्मूदी है वो भी 2 बार कर लेंगे। अगर उनको ऐसा लगता है तो वो स्मूदी को बढ़ाएंगे, मतलब मिनरल्स और विटामिन्स बढ़ाएंगे, तो उनके शरीर को बहुत ज्यादा फायदा होगा। प्रश्न लिख लें जिससे कि ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो वो सभी को कंटेंट में वेस्ट ना करना पड़े समय, पूरा सुनेंगे तो बहुत अच्छा है, पर वो लोग तक बात पहुंचे
जो 10 मिनट में अपनी बात को सुनना चाहते हैं, इसीलिए मैं अभी किसी को इजाजत नहीं दे रही हूँ कुछ भी बोलने की, और पर्टिकुलर कंटेंट की बात कर रही हूँ। कुछ लोगों ने अभी मुझसे लिंक लिया है और वो अभी आज जुड़ रहे हैं, तो सिर्फ वो आज का वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि पहले तो मेरे YouTube पे वो वीडियो अवेलेबल है, तो जा करके कल का वीडियो जरूर से देखें। फिर भी मैं रिपीट करती हूँ, मतलब आज का डाइट प्लान, क्योंकि अभी दिन की शुरुआत हुई है, अभी भी आप लोगों ने बहुत कुछ अगड़म बगड़म नहीं खाया होगा, तो आज दिन भर में जो मोटे मोटे की नोट्स हैं वो ये हैं कि हम बहुत डीप फ्राई चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चल के हम तेल को भी ऑयल को छोड़ने वाले हैं, टाटा बाय बाय करने वाले हैं, सॉल्ट को टाटा बाय बाय करने वाले हैं, शुगर को टाटा बाय बाय करने वाले हैं, तो हमारी बॉडी को उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो प्रिपरेशन मींस हम धीरे धीरे उसको खत्म करेंगे, टेपरिंग करते हुए, ना कि एकदम से खत्म करेंगे। और आज और कल तक का कुछ थोड़ा क्रूशियल हो सकता है, किसी को थोड़ी वीकनेस या हेडेक लग सकती है, इसीलिए मैंने आज एक सिंगल टी की इजाजत दी है, जो लोग लगातार पीते आए हैं, वो जो 3 ग्लास पीते थे वो 1 ग्लास पे आए, जो 1 ग्लास पीते थे वो आधे ग्लास पे आए, जो आधे ग्लास पीते थे वो एक छोटे कप पे आए, और जो 1 कप पीते थे वो 1 सिप पे आए। यही तरीका है, और एक छोटा सा कप, बहुत छोटा सा आपने बनाया, उसको भी 1 सिप लेके छोड़ दिया कि बहुत अच्छी चीज नहीं है, हमें इसको छोड़ना ही है। सो ये हो गया चाय का पैटर्न। दूसरा आपको क्या लेना है, डीप फ्राई नहीं लेना है, तो मैंने पकौड़ी और कुटू की पूड़ी के बजाय चीला आपको ज्यादा रिकमेंड किया, और आज के दिन हमने और सब्जियां रिकमेंड की, तो सब्जी जरूरी नहीं लौकी की, जो भी सब्जी आप हरी सब्जी खाना चाहें, कुछ लोग फ्रेंच बीन खाते हैं बहुत ही पौष्टिक है, कुछ लोग बंधा खाना रिकमेंड करते हैं वो भी बहुत पौष्टिक है, तरोई बहुत पौष्टिक है, तो उसको स्टीम तरीके से नींबू और नमक डाल के टेस्टी बनाया जाए जीरे से, तो बहुत अच्छा है, तो उसमें वो आप 1 चम्मच घी डाल सकते हैं। तो मोटा मोटा फंडामेंटल लॉ है कि हमें चीनी कम रखनी है, जितनी जरूरत है बस उतनी, 1 चम्मच पूरे दिन में बहुत है, हमें नमक बहुत कम रखना है 1 चम्मच, चाहे वो सेंधाई क्यों ना हो, और हमें ऑयल लगभग 1 चम्मच रखना है दिन भर में। अब आपके ऊपर है, आप इस समय मूंगफली मखाने खा सकते हैं ड्राई रोट्स करके, मतलब प्रकृति प्रदत्त आप कुछ भी खा सकते। सिंपल डाइट प्लान था कि सुबह हमने तुलसी जल से शुरुआत की थी, कुछ कुछ वीडियोस हम इंस्टा पे और अपने फेसबुक पे HIW फेसबुक पेज पे लगातार अपलोड करते जा रहे हैं, उस पे आप अपनी एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे, जिनको अभी हमने सूखे हुए भीगे हुए खाए थे, जिन्होंने नहीं भिगोए हैं वो अभी भिगो दें, शाम को खा लें, कोई दिक्कत नहीं है, और धो करके उनको भिगोए, और वो जिस पानी में भिगोए जाते हैं वो पौष्टिक, तो ये सीखें, क्योंकि अभी हमारे पास 2-3 दिन और चलने वाला है अच्छे से इसी की वैरायटी, तो इसको आप ले लें, परचेस कर लें, या आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में सहायता करेगा, टॉक्सिन्स को निकालने में सहायता करेगा, मिनरल्स और विटामिन्स बॉडी में बढ़ने से आपको अच्छी इम्यूनिटी डेवलप होगी। उसके बाद हमने तरह तरह के फलों को खाने को कहा था लगभग 11 बजे, कुछ लोग खा के बैठे हैं, कुछ लोग शायद करने के बाद खाएंगे, वो आपके मौसम के अनुसार और आपके जहां आप रह रहे हैं वहां के हो सकते हैं। उसके बाद हमने उनको सजेस्ट किया था कि आप बॉइल्ड आलू, तो कुछ लोगों ने कहा हमारे पास स्वीट पोटैटो है तो बहुत अच्छा है, शकरकंदी हो सकती है, तो कंद, कंद कहने का मतलब है कंद, मतलब जो इस तरह की सब्जियां होती हैं, कार्ब्स इसमें अच्छा है, और ये हमारी बॉडी को फुलनेस की फीलिंग देते हैं, तो जब हम रोटी से इस तरफ आना चाह रहे हैं तो हमारे लिए आलू एक अच्छा उदाहरण है, डायबिटिक पेशेंट आलू खा सकता है बट डीप फ्राई नहीं, तो आप रोस्टेड या बॉइल्ड आलू कर ले, और उसमें आप किसी भी तरह उसको गार्निश कर सकते हैं, अनियन लोग अवॉइड करेंगे, खाना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो तामसिक प्रवृत्ति का है, हम सात्विक भोजन की बात कर रहे हैं यहाँ, और ईश्वरीय भोजन की बात कर रहे हैं, ईश्वरीय मतलब जो नेचुरल है, नारियल नेचुरल है खा सकते हैं, सेब पपीता केला जो कुछ भी नेचुरल है वो आज खा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने पीनट्स मखाने नेचुरल हैं खा सकते हैं, पिस्ता नेचुरल है खा सकते हैं, जरूरी नहीं मैंने बताया हो खा सकते हैं, आपको मन है टेस्ट है खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, जरूरी नहीं बताया हो, पर हाँ थोड़ा हैवी डाइट से लो डाइट की तरफ रखेंगे। हाँ काजू अखरोट खूब खाएंगे तो कल छोड़ नहीं पाएंगे, तो ऐसे कि हमको छोड़ना है चीजों को धीरे धीरे, तो हम उस डाइट पे रखेंगे। इवनिंग में मैंने एक हर्बल चाय बताई थी जो आज भी पीनी है और कल भी, उसका पर्पस ये था कि अगेन एंटी इंफ्लेमेटरी चीजें बॉडी में जाएं, जिसमें जिंजर सबसे अच्छी है, जिंजर के साथ साथ आप थोड़ा सा सिनेमन डाल दीजिए, बड़ी इलायची छोटी इलायची और लौंग डाल दीजिए,
इसको आप मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट बॉईल होने दीजिए, बंद कर दीजिए। जैसा कि आपने अगर किसी ने तुलसी वाटर बनाया हो तो 10 मिनट्स के बाद उसका बढ़िया सा कलर आ जा रहा था और वो गरम गरम पीने में बड़ा आनंद आता है। और अगेन अगर आपने तांबे के ग्लास में बनाया होगा तो उसका एकदम अलग टेस्ट होता है और एकदम अलग फ्लेवर है। दोनों ही अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से अपनी अपनी जगह अच्छी है। फिर मैंने 7 बजे आपको 7 बजे ही सजेस्ट किया था कि आप खा लें। अच्छा, इसमें कोई मिठाई नहीं खाएगा जो पहली। अच्छा, डोंट्स हम पहले बता दें क्या नहीं करना है 9 दिनों के लिए। तो कृपया अपने पास मिठाइयों का ढेर ना लगाएं और कृपया वैरायटी मत ढूंढें कि हम क्या क्या और बना सकते हैं। अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो आप अभी लेफ्ट कर सकते हैं। आप उस चैनल पे नहीं हैं जहां पर हम बहुत सारे पकवान बताने वाले हैं। हाँ, दीपावली पे कभी ऐसा कर सकते हैं कि हम प्राकृतिक पकवानों की बात करें, पर अभी इस नवरात्रि में हम प्रकृति की ही बात करेंगे। जो जैसा है वैसा खाया हमने, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। हम जैसे हैं वैसे दिखें, तो जैसा ईश्वर ने बनाया है हमने उसी तरह उसको एक्सेप्ट किया है। तो हमने पूरे दिन उसको बिल्कुल छेड़खानी नहीं की है, ये समझ लीजिए, बिल्कुल छेड़खानी नहीं की है। आग भी बंद रखेंगे लगभग आज के बाद, ठीक है? तो आज से कल तक के बाद हम फ्लेम को भूल जाएंगे, क्योंकि फ्लेम हमने बाद में इजाद की है, नेचुरल नहीं है। ईश्वर का पकाया हुआ, उनको जितना पकाना है वो हमारी नेचर ने इटसेल्फ पका करके दिया है, ठीक है? तो हम उस पे रहेंगे तभी वो साधना है। और दूसरा मूल मंत्र ये है कि चाय आर्टिफिशियल है। जिनको भी निकोटीन मतलब बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत है और वो मेरे साथ लंबा दूरी तय करें तो वो ब्लैक टी पे आ सकते हैं। ब्लैक टी से उनको हेडेक बंद हो जाएगा। तो आप टी को बॉईल कर लें, छान लें, लेमन डाल दें और मिश्री का यूज करें। कोशिश भर तो आप खजूर का यूज करें। आज की डेट के लिए दूध अलाउड है, दही अलाउड है, पनीर अलाउड है, पर आज के बाद हम छोड़ देंगे। तो आप मिठाइयां मत मंगाएं, प्रोसेस्ड मिठाइयां बिल्कुल मत मंगाएं। खजूर, किशमिश, अंजीर, ये सब आप इकट्ठा कर सकते, ठीक है? अब आते हैं कल के डाइट प्लान पे। तो आप सभी लोग इसको देख लें। जो भी लोग ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवा खा रहे हैं वो अपना ख्याल खुद रखेंगे, मेडिसिन अचानक बंद नहीं करेंगे। अगर वो ऐसे करते आए हैं कि कभी हम खाते हैं कभी हम नहीं खाते हैं, डर के मारे डॉक्टर के खा रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा समय हो सकता है, पर ये इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। सभी लोग पेन पेपर निकाल लें, जो लोग हैं उनको इसका फायदा मिले क्योंकि उनको बार बार ना सुनना पड़े। आप लिखें कल का डाइट प्लान डे 2। सुबह हम लोग तुलसी जल कंटिन्यू रखेंगे, तो जिनके घरों में तुलसी का पेड़ नहीं है वो खरीद लें, लग जाएगा अभी ही और खूब सारी उसमें पत्तियां होंगी जो आपके काम आ जाएंगी। कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 तुलसी के पेड़ ले आइए, इसी बहाने ये काम हो जाएगा। भिगो, जैसे बताया दोनों तरीकों से आप उसको यूज कर सकते हैं। 8 बजे ये टाइम पहले शिफ्ट हो सकता है, जैसे मैं ही 5 बजे उठी थी तो मैं भी थोड़ा बिफोर टाइम चल रही हूँ, मैंने इन जनरल लिखा है। तो आप 2-2 घंटे 1 घंटा अर्ली कर सकते हैं। और बीच में अगर किसी को कुछ लेना ही है मेरे डाइट प्लान के अलावा, तो वो खीरे पे जाएगा, वो फ्रूट्स पे जाएगा, तो आप अगर बढ़ाएंगे कोई चीज नारियल पे जाएगा, तो इन चीजों को ढूंढेंगे, ज्यादा से ज्यादा डेट्स पे जाएगा, तुरंत आपके क्रैम्प्स कम हो जाएंगे। और सिप कर करके पूरे दिन आप पानी पिएंगे। पानी ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। तो बहुत गर्म पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बहुत गर्मी नहीं बढ़ी है तो आपको फिर मुश्किल आएगी। अगर आप ठंडा पानी पीने की आदत है तो थोड़ा ठंडे की तरफ आप रहें, ठीक है? 8 बजे सोक्ड रेजिंस की स्मूदी खाएंगे। अभी हम धीरे धीरे हम लोग उस तरफ चल रहे हैं कि हम शरीर को कम काम दें, समझ रहे हैं मेरा लॉजिक? तो हम थोड़ा थोड़ा समझा पा रहे हैं क्योंकि हमको बहुत सारा चीजें एक सेशन में लेनी है। स्मूदी मतलब जो भी कुछ आपने भिगोया था, क्या क्या था लिखें। बादाम था वो अलग भिगोया था, 2 खजूर 2 अंजीर, 10 किशमिश, 10 मुनक्के और 10 काली द्राक्ष। इसमें से जो किसको नहीं मिला वो कम भी हो सकते हैं, और बाकी चीजें डायबिटिक हैं तो थोड़ी मीठी कम हो सकती है। इनको आपने धोकर भिगो दिया था 2 बार, आज सुबह सब कुछ, कल सुबह सब कुछ आप डाल करके ग्राइंडर चला दें। मुनक्के के बीज निकालने की जरूरत नहीं है, जब आप पीसेंगे तो उन्हें खाने में क्रंची लुक देते हैं और वो पेट को साफ करते हैं। तो आप उनको एज इट इज स्मूदी खा सकते हैं, जिस पानी में भिगोई है उसी में जोड़ लें। सर अभी अभी हम लास्ट में, आप अभी म्यूट रहे, लास्ट में आप बिल्कुल पूछिए, लिख लीजिए, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। 11 बजे के आसपास 2-3 तरह के फल,
ये भी चलेंगे, तो आप अपने हिसाब से इन्हें खरीदते जाएं, मन मुताबिक खरीदते जाएं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हम आगे फलों को भी बंद करने वाले हैं, तो बहुत ढेर इसका भी ना लगाएं। फिर मैंने लिखा है फोर्थ नंबर पे सिंघाड़े की कढ़ी, जिसको मैं अभी तो बता दे रही हूँ, और थोड़ी देर में हम इसका वीडियो भी, हम लोगों ने कल ही शूट किया है, उसको अपलोड कर देंगे, तो आप लोग उसे शेयर भी कीजिए और देखिए भी। सिंघाड़े की कढ़ी, सिर्फ 2 चम्मच कढ़ी सिंघाड़े का आटा चाहिए। आपने बिल्कुल मिनिमम फ्लेम पे आधा चम्मच देशी घी डाला, उसमें जीरा डाला, थोड़े से मिर्ची के पीसेस डाले अगर खाते हैं तो हरी मिर्च, और जैसे पहले लंप ना रहे तो वो 2 चम्मच सिंघाड़े को पानी में ऐसे घोलेंगे धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और 2 चम्मच सिंघाड़ा एक बाउल घुल जाएगा, एक बड़ा कटोरी जितना आपको चाहिए। हाँ, और उसको आप उसमें डालिए जस्ट 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में वो 2 बार ऐसे उबाल आएगा, बंद कर दीजिए, वापिस कटोरी में डालिए, नींबू डालिए, नमक डालिए, पहले भी नमक डाल सकते थे, और धनिया से गार्निश कीजिए। वेरी वेरी टेस्टी और बहुत हेल्पफुल। आप इसको 2 बाउल भी बाद में बनाइए, क्योंकि 1 मिनट लगा है, आपका टेस्ट एक बार डेवलप हो जाए आपको वो और अच्छा लगेगा, ठीक है। और इसके साथ 2 उबले आलू रिकमेंडेड है, आप उसमें भी एक आलू छोटा छोटा काट के डाल देंगे तो भी आपका कढ़ी, आलू और उसमें सब कुछ तैयार हो जाएगा, और 1 बाउल 2 बाउल खाने से आपका पेट भर जाएगा। कोई भी चीज धीरे धीरे खानी है, प्रार्थना के साथ खानी है, हाथ से खानी है। सुमन जी प्लीज इधर से म्यूट करें, कुछ लोगों ने अनम्यूट किया है, और फिर ठीक है, देन उसके बाद हम लोग एक हर्बल चाय कंटिन्यू करेंगे, जो आज हमने पी है वो कल भी पियेंगे, आज जो हम बनाएंगे। 6 बजे के आसपास हम एक प्लेट रॉ सैलेड खाएंगे। जिनको जिस भी चीज से ब्लोटिंग या गैस्ट्राइटिस होती है उसका ध्यान रखेंगे, ये कल का डाइट प्लान है। तो आप, खीरा है आपकी टेबल पे, गाजर हो सकती है, टमाटर हो सकता है, चुकंदर हो सकता है, बंधा हो सकता है, थोड़ी चीजें सारी क्रश कर लीजिए, सारी घिस लीजिए, और उसमें लेमन वगैरह डाल के गार्निश कर लीजिए, तो आपको उस तरह की प्रॉब्लम नहीं फील होती है। जिनको आदत है वो 2 खीरे खा लें, जिनको आदत है वो 2-3 गाजर खा लें। जरूरी नहीं है जितनी चीजें मैंने बोली है वो सारी होनी चाहिए, पर एक कलरफुल अगर आप चाहते हैं बढ़िया बाउल, तो वो आप उस तरह से भी बना सकते हैं, आपको बढ़िया लगेगा। देन नारियल की गिरी भी खाई जा सकती है और उसमें ग्रेट की जा सकती है। लेमन और धनिया का यूज खूब करें जितना आप कर पा रहे हैं। 7 बजे के आसपास अगेन आपको वेजिटेबल ही खानी है, तो वेजिटेबल इट्स आपकी चॉइस है। आप कोई भी हरी सब्जी, लौकी सबसे इजी है, सॉफ्ट है, इसलिए लौकी की बात होती है व्रत में। आप कोई भी ऐसी सब्जी जो सॉफ्ट है, लाइक कद्दू हो सकता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस और टेस्टी, जिनको अच्छा लगता है स्टीम्ड करना है। बंधा हो सकता है, फाइबर अच्छा होता है, स्टीम्ड करके ढक दीजिए। थोड़े मसाले भी डाले जा सकते हैं जो खाते हैं, अदरवाइज मैं समर्थन करती हूँ खड़े सीधे मसालों का। आप उसमें 1 बड़ी इलायची, 1 लौंग, थोड़ी सी जावित्री दालचीनी डाल के ढकिए, उसकी फ्रेग्रेंस भी बदल जाएगी और टेस्ट भी बदल जाएगा। नमक डाल दीजिए, बाद में नींबू से गार्निश कर लीजिए या चटनियां बना लीजिए। तो ये हो गया कल का डाइट प्लान। अब आपके क्वेश्चन आंसर कर लें कि मैं मेडिटेशन करा दूं, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 40 मिनट्स का सेशन ही रखेंगे, रीज्वाइन नहीं करेंगे, सभी का टाइम कीमती है। सो थोड़ी सी देर में जल्दी से आप पूछ लो, या पहले मैं मेडिटेशन करा दूं? मेडिटेशन मैम। चल, सभी लोग सीधे बैठ जाएं, पैरों से चप्पलें हटा दें या पालथी मार लें, जहां पे भी बैठे हैं वो ज्यादा अच्छा पोस्चर है। पालथी लगा लें, आंखों को आहिस्ता से बंद कर लेंगे। कुछ देर अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान देंगे, अपना सारा ध्यान अपनी नॉस्ट्रिल के आसपास, ऊपरी होंठ के ऊपर, आती जाती श्वास को देखते जाएं। आती जाती श्वास के प्रति जागरूक हों। अपनी श्वास के प्रति जागरूकता आवश्यक है। किस नॉस्ट्रिल से श्वास आ रही है, किस नॉस्ट्रिल से जा रही है, थोड़ी ही देर में आपको ये अनुभूत होने लगेगी। हो सकता है दोनों नॉस्ट्रिल चल रही हो सकता है दाहिनी, हो सकता है बाईं।
रीढ़ की हड्डी सीधी हो, जो लोग नहीं बैठ पा रहे हैं वो लेट सकते हैं, वो वहीं पर लेट सकते हैं सीधा। अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो पैर जमीन को छूते रहे, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हो। अगर बेड पे बैठे हैं तो ऊपर पालथी लगा रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, हथेलियां खुली रहे। अगर लेटे हुए हैं तो भी हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहे। अब सबसे पहले, क्योंकि उपवास और साधना का अद्भुत सामंजस्य है, अगर हम उपवास भी धार्मिक तरीके से बहुत अच्छी तरह से करते हैं और संकल्प साधना के साथ करते हैं, तो निश्चय ही हमें इसका बहुत बहुत बेहतर परिणाम मिलता है। सबसे पहले हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे और हम अपने किसी भी ईष्ट मंदिर की दुर्गा माँ को देखेंगे। तो देखने का तरीका है कि हम उस मंदिर गए जो कि बहुत ही प्राचीन और दिव्य मंदिर है दुर्गा जी का, आपके आसपास, आपके मोहल्ले का, आपके जहां रहते वहां का, या जो भी आपको याद आ रहा है, उस मंदिर में आप जा रहे हैं। चप्पलें बाहर उतार देते हैं, बहुत सारी भीड़ आपके आसपास है, पर आपको, आपकी दृष्टि सिर्फ दुर्गा जी की प्रतिमा को खोज रही है। आप किसी फूल चढ़ावा इन सबके चक्करों में नहीं पड़ रहे हैं, आप बिल्कुल शांति से मंदिर के अंदर जा रहे हैं और धीरे धीरे एक द्वार, दूसरा द्वार, तीसरा द्वार, बहुत सारे लोगों को हटते हुए, हटाते हुए आप पहुंच जाते हैं सामने दुर्गा जी की अष्टभुजी प्रतिमा, भव्य प्रतिमा आपको दिख रही है। आप एकदम मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर एक टक आप दुर्गा जी की प्रतिमा को देखते रहते हो। अद्भुत शेर पर सवारी, अभय मुद्रा और उनका वो दिव्य रूप, सारे हाथों में कुछ ना कुछ, सब आपको साफ दिख रहा है, चाहे वो धनुष बाण हो, चाहे वो कमल हो, चाहे वो त्रिशूल हो, चाहे वो सुदर्शन चक्र हो, चाहे वो शंख हो, सारी चीजें आपको साक्षात दिख रही हैं, अद्भुत लग रहा है। और धीरे धीरे आप एक टक वहीं खड़े हैं, धीरे से आंखों को बंद करते हैं और अपने अंदर ही वो दुर्गा जी की भव्य मूर्ति को महसूस करने लग जाते हैं। हमारे अपने हृदय में ही जैसे दुर्गा जी विराजमान हो गए हैं। आंखें बंद हैं, हम उसी जगह पर खड़े हैं और पूर्व की दुर्गा माँ की प्रतिमा जैसे साक्षात हमारे अंदर है। हम उनका इस दिव्य रूप के लिए धन्यवाद करते हैं और एक एक चीज को और बारीकी से देखते हैं। सिर्फ देखने मात्र से बहुत सारी चीजें अपने आप मेरे शरीर में, हमारे शरीर में उसकी अनुभूति होने लगती है। सबसे पहले जो लायन, शेर दिख रहा है जिसपे वो सवार है, वो हमारे अंदर स्ट्रेंथ देता है, ताकत प्रदान करता है, बहुत सारा स्ट्रेंथ। और इन सब चीजों को सोचने और देखने मात्र से हमारे अंदर ऊर्जा बदल जाती है। दस भुजाएं जो कि आठ डायरेक्शंस
और एक स्काई और एक अर्थ को दिखा रही है, दर्शा रही है। तो इन सभी डायरेक्शन से डिवोटीज के लिए हेल्प है, ऊर्जा है, विश्वास है। मतलब आप इतनी दिशाओं में एक साथ काम कर सकते हैं, इतनी ऊर्जा है, इतनी दिशाओं में एक साथ हम ध्यान रख सकते हैं, इतनी हमारे अंदर क्षमता है। अब हमें उनका शंख बंद आंखों से अपने ही शरीर में साफ दिख रहा है, अपने ही हाथ में। सुना नहीं दे रहे। शंख क्योंकि ब्रह्मांड की ध्वनि है, तो यह ओम की ध्वनि के कारण जाना जाता है और यह ईश्वर की ध्वनि। शंख न सिर्फ दिखाई दे रहा है उनके हाथ में, हमें ओम की ध्वनि भी सुनाई दे रही है। फिर हम उनके एक हाथ में बो एंड एरो, धनुष बाण देख पा रहे हैं। धनुष पोटेंशियल एनर्जी और बाण काइनेटिक एनर्जी, मतलब हम दोनों प्रकार की ऊर्जाओं पर ब्रह्मांड की एक साथ नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ गतिमान हैं, ऐसा नहीं है हम सिर्फ रुके हुए हैं। दोनों में सामंजस्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है। उनके एक हाथ में थंडर बोल्ट है जो कि फिर्मनेस, दृढ़ता को दिखा रहा है, जो ये बताता है कि जब भी चैलेंजेस आए हम उनका डट कर सामना करें। इसके साथ ही कॉन्फिडेंस और विल पावर भी बढ़ रहा है। उसके साथ ही उनके हाथ में है कमल का फूल। तो जिस तरह कमल का फूल पानी, मड, इन सब से, मिट्टी से सना और कीचड़ में खिल जाता है, वो अपनी खूबसूरती अपने आप फैलाता है, तो इसी तरह हम इस सांसारिक वर्ल्ड में रहते हुए भी अध्यात्म से अपने आप को जोड़े रखें। ये वो मैसेज देता है, ईश्वर से जुड़े रहना, डाउन टू अर्थ रहना, मुस्कुराते हुए खिले हुए रहना, भले ही आपके पास कैसे भी विचारों के लोग हों, कैसे भी ये सांसारिक मोह माया से आप कैसे भी जुड़े हुए हों, आपको बंद आंखों से अपने ही अंदर दुर्गा माँ की सारे भुजाओं में ये प्रतीक चिन्ह दिख रहे हैं और उनको आप न सिर्फ विजुलाइज कर रहे हैं, ये आपके शरीर में इन प्रभावों को छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा हमेशा संकल्पित होना चाहिए। एक हाथ में उनके सोल्ड तलवार है, इसकी चमचमाहट जो शाइनिंग है वो नॉलेज को दिखा रही है। जिस तरह तलवार के सामने कोई भी नहीं टिकता, वैसे ही आपके अंदर इतनी नॉलेज, ज्ञान की बारिश हो रही है इन 9 दिनों में कि इसके सामने कोई भी शक्ति टिकती नहीं। तो हम जितना हो सके अपने ज्ञान को बढ़ाने में समय व्यतीत करें। फिर आपको सुदर्शन चक्र दिख रहा है, उनके ही हाथ में इंडेक्स फिंगर में स्पिन करता हुआ, घूमता हुआ सुदर्शन चक्र। जिस तरह सुदर्शन चक्र के निकलते ही कभी भी वो वापस नहीं लौटता, इसी प्रकार अगर हम धर्म को पकड़े रहते हैं, सत्य को पकड़े रहते हैं, तो कभी भी बुराई बच नहीं सकती, उसका खात्मा होना तय है।
त्रिशूल दिख रहा है एक हाथ में, जो कि उसकी तीन डंडियां सत्य, सतज, रजस और तमस का प्रतीक है, मतलब साल्वेशन, पीस एंड सेरेनिटी, जो तीनों को बैलेंस करता है। ये तीनों का प्रभाव हमारे अंदर त्रिशूल की भांति एक साथ है। अभय मुद्रा उन्होंने हर हाथ में लगा रखी है, हर भुजा में लगा रखी है, जो कि बताती है कि वो निडर हैं, हमें हमेशा निडर रहना चाहिए। बहुत अच्छा अनुभव महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है ये सारे गुण हमारे अंदर विद्यमान होते जा रहे हैं। हम धीरे से आंखें अभी नहीं खोलेंगे, उनको धन्यवाद देंगे और ऐसा महसूस करेंगे और बोलेंगे कि वो हमारे अंदर हमेशा विराजमान रहे और मुझे इन गुणों से अभिभूत रखें। समय समय पर हम इनको देखते हुए, इनका आत्म मंथन करते हुए इन गुणों को अपने अंदर धारण रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी आंखें नहीं खोलेंगे, आप मंदिर में जहां खड़े थे वहां पर आंखें खोल रहे हैं और प्रतिमा वैसे ही आपके सामने बैठ रखी है। आप मुस्कुराते हैं, गहरी सांस लेते हैं और वहां से जैसे मंदिर से बहुत अभिभूत होकर के वापस आते हैं। आपका आज का दिन सार्थक हो। आप जहाँ बैठे हैं वहां गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे अपने हाथ पैरों को हिलाइए, हथेलियां आपस में रगड़े, आंखों पे रखें। धन्यवाद देते हुए आज का दिन आपका शुभ हो, मुस्कुराते हुए आंखों को खोलें। बिल्कुल शिखा जी, आवाज जा रही है? हेलो शिखा आ रही है, जी, बिल्कुल आ रही है। एक बात बताइए कि जैसे जो आपने डाइट प्लान दिया है 14 का, तो वो 15 को फॉलो करना है हमें? जी, हम एक दिन पहले चल रहे हैं, हमने जो कल का वीडियो डाला उस पर डे 1 लिखा हुआ है, वो आज का डाइट प्लान है, आप उसको पुनः देख लें। और जो आज हमने डाइट प्लान बताया वो कल का डाइट प्लान है, ठीक है? तो हम हमेशा अगले दिन का डाइट प्लान एक दिन पहले दे रहे हैं, तो आप समय निकाल के जरूर से दोनों वीडियोस, ये अभी 1 घंटे में अपलोड कर दूंगी मैं और आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो आप पूरी बात समझने के लिए वीडियो को जरूर देखें। हमारे पास 6 मिनट है, आप क्वेश्चंस पूछें जिससे और लोगों को फायदा हो। है हाँ, दो, जी बताएं। प्लीज एक प्रश्न और है कि जैसे मुझे एंटीबायोटिक लेनी है, तो मैं क्या ड्राई फ्रूट्स के बाद ले सकती हूँ? जो नहीं ड्राई फ्रूट्स खाए नहीं मैं, ले सकते, नहीं नहीं ले सकते। तो फिर सुबह का कैसे? आपको कुछ अनाज खाना पड़ेगा, तो जब आप का मील टाइम हमने बनाया है 1 बजे या 7 बजे, आप तभी। कब ले लें? लेकिन 2 बार लेनी है ना एंटीबायोटिक, तो जैसे तो दोपहर में आपको अभी दो फिर दिन रात। देखिए, अभी 2 दिन तो मैंने सुबह शाम आपको खाने के लिए कहा है, उसके बाद आप डिसाइड करें फास्टिंग इम्पोर्टेंट है या एंटीबायोटिक इम्पोर्टेंट है, आपकी बॉडी कैसा अलाउ कर रही है, उसके बाद ही आगे चलें। ठीक, ठीक है, थैंक कोई दिक्कत यू नहीं मैडम। बता रही। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैडम गर्भवती महिलाओं के लिए? गर्भवती महिलाएं पहले वो फास्ट करती थी, प्रेगनेंसी में पहले फास्ट किया है या हफ्ते का आवाज 1 दिन का फास्ट किया है उन्होंने? नहीं किया मैडम अब तक। अभी तक नहीं किया। तो अभी देखिए, अभी तो 2 दिन का डाइट प्लान उनके लिए बहुत अच्छा है, आगे क्या है वो मॉडरेट तरीके से चल सकती है। मतलब मेरी बाकी बताई हुई चीजें अच्छी हैं, पर वो 2 बार जो मैं पौष्टिक हिसाब से खिला रही हूँ वो खाएं, ठीक है? दी, जो सिंगाड़े की कड़ी आपने बताया, उसमें कोई दूसरे ग्रेन की भी कर सकते हैं ना कड़ी? दूसरा ग्रेन खाते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जो बीज से रागी का भी
इसमें फास्टिंग में नहीं, वैसे भी जैसे रागी की कढ़ी है और ये हाँ बिल्कुल ले दैट इज सकते ऑल्सो हैं, गुड, बिल्कुल कर सकते हैं। ले अगर सकते हैं ना। कोई नवरात्रि की फास्टिंग नहीं कर रहा है और उसको अनाज से नहीं है, तो अनाज, क्योंकि सिंघाड़ा इज अ फ्रूट, इसलिए फल को प्रायोरिटी दी गई है। हाँ ओके, राजगीरा? नो नो, राजगीरा राजगीरा ले सकते, ले राजगीरा ले सकते। सकते, ओके थैंक क्योंकि हम जी। कल आज की डेट में ही मिल्क अलाउड कर रहे हैं, तो कल मिल्क मैंने नहीं लिखा है कहीं पे भी, और आज दही था आपके उसमें, आज दूध दही हाँ जी पनीर है, कल नहीं है, तो फिर राजगीरा खाने में आपको जी दिक्कत होगी। आज आप राजगीरा ले सकते, तो उसको भी खट्टा ना जाए। जी और कोई कुछ पूछना चाहता है? दी, हाँ दी, हमको डाउट बताएं थी शुभ जी। स्मूदी को लेके। स्मूदी आपने बोला है कि जितने भी हमारे सोक ड्राई फ्रूट्स होंगे उनको ग्राइंड कर लेना है मिक्सी में, बस इतना ही करना है, कुछ इसी लिक्विड नहीं पानी ऐड करना है में उसमें, कुछ नहीं ऐड करना पानी? है, ओके खजूर ओके के बीज ओके निकाल दीजिए, जिस पानी में भिगोया है दो बार धो के उसी में आप पीस दो, और थोड़ा बहुत अगर आपका ग्राइंडर चलने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा डाइल्यूशन चाहते हैं, तो आप उसको थोड़ा बहुत पानी मिला दीजिए। हेलो। हाँ मैम, हाँ मुझे फ्राइडे और सैटरडे थोड़ा ट्रैवलिंग करना है, तो वो दिन पे मैं कैसा कर सकती हूँ? हाँ अभी फ्राइडे सैटरडे नेक्स्ट ना, नेक्स्ट अभी, हाँ तब तक क्या 20 और कंडीशन 21। रहेगी? आप अभी हमारे साथ चलिए, आप अभी हमारे साथ चलिए, ठीक है? थर्सडे हाँ, हम आपके साथ हैं, वही पूछ रही हूँ। थर्सडे बताइएगा, थर्सडे बताइएगा कि हम क्या पहले यस लेते यस, हैं। हाँ और कोई कुछ ओके ओके हेलो मैडम, नमस्ते बताएं? मैडम। मैडम जो आपने कढ़ी बनाई उसमें दही नहीं डाला क्या? कढ़ी कढ़ी में दही नहीं डाला? नहीं? किसने कहा? अच्छा नींबू अच्छा डाला। नींबू डाला है ना? हाँ मैंने सुन नहीं पाया, तो दही में नहीं, पानी में घोला है आपने, है ना? हाँ नींबू हाँ डाला। अब थोड़ी कलाकारी, जो लोग मेहनत कर रहे हैं वीडियो शूट करने में, उसको लाइक शेयर और फॉलो करें, तो थोड़ी देर में मैं वो भी अपलोड कर दूंगी, तो उसमें आपको प्रिपरेशन भी दिख जाएगी, ठीक है? बाकी तो मैंने बताया ही है थोरली। एक दो बार खराब कीजिए, बनाइए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, एक कटोरी थोड़ा सा ये होगा कि कम अच्छी बनी, दूसरी कटोरी अच्छी बन जाएगी। नहीं, वो तो बन जाएगी, फिर से हम लोग दही में बनाते हैं ना, तो जी वही पूछा हमने। जी ठीक है, तो कल हम लोग प्रोटीन छोड़ रहे हैं, तो कल बादाम नहीं लेंगे, दूध नहीं लेंगे, दही नहीं लेंगे और पनीर नहीं लेंगे, तो आज के लिए छूट है। आज इस तरह का कोई भी आइटम जो लोग लेते हैं वो उस पे जा सकते हैं, और भी जो चीजें आपको पौष्टिक लगती हैं वो ऐड की जा सकती हैं। जिनको फीवर है वो 2 बार काढ़े लीजिए, लेमन ग्रास डालिए, और 2 बार ड्राई फ्रूट्स की ये भीगे हुए ले सकते हैं, उनको उससे फायदा होगा। और जिनको हल्का फीवर है वो ये रखें, और जिस समय अनाज खा रहे हैं उस समय अगर मेडिकेशन पे जाना है तो एक आध पैरासिटामोल ले लीजिए, 2 दिन में वो गायब हो जाएगा, भाग जाएगा, ये मेरा विश्वास है इतने सालों का, ठीक है? तो उससे मत डरे। और बाकी एंटीबायोटिक का मैं नहीं कह सकती, किसी को दांत दर्द है उसका चल रहा है, हाँ तो वो कितना परेशान हो सकता है, उसके लिए कमिटमेंट नहीं है, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। बने रहे इसी पे हमारे साथ, आपका दिन शुभ हो, नवरात्रि एक और शुभ हो। लास्ट क्वेश्चन दी, बताए एक और लास्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन ये था कि आपने भी बोला कि हम लोग प्रोटीन को निग्लेक्ट करेंगे अब से अपने डाइट में, कल कोई प्रोटीन नहीं खा रहे, बट प्रोटीन तो एसेंशियल रहता है ना, जी, बहुत तो गंभीर चाहिए हम क्वेश्चन लोग को है, तो डाइट अभी में। हमारे विश्वास के साथ आप बने रहे हैं, 1 मिनट ही है, तो हम इसका आंसर कल 11 बजे बिल्कुल देंगे। आप बिल्कुल प्रोटीन नहीं खाएंगे आने वाले 5 दिनों में, क्यों नहीं खाएंगे ये भी हम कल साइंटिफिकली बताएंगे। थैंक यू सो मच।